हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का मेवाड़ इनर थिंकर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज एक स्पेशल क्लास है आपके सभी के लिए, स्पेशल एमसीक्यू क्लास है पीडियाट्रिक नर्सिंग। पीडियाट्रिक नर्सिंग के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे पुट किए हैं। तो मोस्ट कॉमन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जहाँ से थ्योरी से क्वेश्चन उठा के पूछे जाते हैं बार बार, वही क्वेश्चन यहाँ पे पुट किए हैं। और कुछ इमेज भी है, कुछ रैशनल भी है और कुछ डायरेक्ट एमसीक्यू भी है, वन लाइनर है, कुछ बड़े बड़े एमसीक्यू भी है। तो ध्यान से इनको पढ़ना, समझना, चार ऑप्शन देखना, फिर आंसर देना इनका। मतलब ये प्रोसेस आपको फॉलो करनी होती है। अगर ऐसे प्रोसेस से आप नहीं गुजरते हो, ये प्रोसेस फॉलो नहीं करते हो, तो आपका क्वेश्चन गलत होता है। और याद रखना, कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो आप, क्वेश्चन अगर गलत होता है तो माइनस मार्किंग होती है। उस माइनस मार्किंग से बचने का एक ही तरीका है अपने पास में, क्वेश्चन को कम से कम दो बार लर्न करें। कितनी बार लर्न करना है? टू बार, टू टाइम्स क्वेश्चन को लर्न करना है। उसके बाद में जो आपके दिमाग के अंदर ऑप्शन अभी तक नहीं देखना आपको, आपके माइंड में जो कौन सा ऑप्शन आता है, कौन सा आंसर आता है, फिर वो आंसर देखना है कि जो माइंड में आया वो आंसर आपके चार ऑप्शन में से है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उस क्वेश्चन को आपको वही स्टॉप करना है, नहीं करना है वो क्वेश्चन, आगे की तरफ बढ़ जाना है, उसको सबसे एंड में करना है। अगर मान लो बाई चांस उसमें फिर बिल्कुल ही नहीं आ रहा है आपको, तो छोड़ देना ही सबसे भला ही है, अच्छा है। जो आपको आते हैं वही क्वेश्चन सबसे पहले करने हैं, चाहे आपको नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ही क्यों ना पूछ ले, दो बार क्वेश्चन को रीड करना, जरूर रीड करना। तो आज 11 जून है और आज आपके जो ये क्लासे लेते हैं उनका भी बर्थडे है, तो सभी को, आप सभी लोगों को थैंक यू विशेष सभी को। तो आज हम स्पेशल क्लास इसीलिए लेके आए हैं। तो हमारी क्लास कैरी ऑन करने से पहले आप सभी के लिए, आप सभी को मैं एक चीज़ बता दूँ कि आप क्लास को लाइक नहीं करते हो, तो क्लास को जल्दी से जल्दी लाइक करें और अपने सभी सहपाठियों तक इस क्लास के नोटिफिकेशन को जरूर पहुंचाएं, ताकि वो भी इस क्लास का फायदा ले सके, जिस प्रकार से आप ले रहे हो वो भी अपना ड्रीम पूरा कर सके। तो सभी तक क्लास को जरूर पहुंचाएं, मतलब आपको कुछ नहीं करना है, शेयर करना है। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। हम क्लास को कैरी ऑन करते हैं। क्या है आज की क्लास के अंदर पहला आप है? तो यहाँ पे एक जरूरी सूचना है सभी के लिए, NHM ने निकाली है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने, कि लू से बचे, सभी को पता है लेकिन फिर भी देखो हमने डाल दिया इसके अंदर, गर्मी के मौसम में ध्यान रखने वाली कुछ जरूरी बातें, क्या जरूरी सावधानी है, क्या क्या हो सकती है। जैसे अकेले रहने वाले बुजुर्गों या बीमार लोगों के स्वास्थ्य की निगरानी करते रहे, मतलब अकेले रहते हैं उनके स्वास्थ्य की और बीमार लोगों के स्वास्थ्य की निगरानी हमेशा करते रहने। फिर घर में ठंडा पानी रखे, सॉरी घर को ठंडा रखे, रात में पर्दे का इस्तेमाल, शटर एंड सनसेट का प्रयोग करें और खिड़कियां खुली रखें, और दिन के समय निचली मंजिल पर रहने का प्रयास करें, ऊपर की तरफ ना रहे, ताकि आपको हीट वेव है वो आपको डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में ना आ पाए। देन दिन के समय यहाँ पर शरीर को ठंडा करने के लिए पंखे और गीले कपड़े का प्रयोग करें। ये सारी की सारी है लू से बचने के उपाय, और पानी से ज़्यादा पीना है अपन को। तो दैट्स क्लियर। देन अपने पास में आता है, अभी थोड़े दिन पहले, एक महीना भी नहीं हुआ शायद, ज़्यादा दिन नहीं हुआ इस चीज़ को, एक गवर्नमेंट RBI जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने एक डिसीजन लिया, नरेंद्र मोदी जो अपने, श्री नरेंद्र जी मोदी जो अपने प्रधानमंत्री है, उन्होंने एक डिसीजन लिया RBI ने और PM ने मिलके। तो क्या डिसीजन था, तो ये आपको एक इमेज दिख रहा है और इमेज ही ने पूरी पिक्चर क्लियर कर दी होगी आपकी कि कौन सा डिसीजन है ये। देखो हम पीडियाट्रिक पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है पढ़, लेकिन ये कुछ करंट की चीज़ें हैं वो भी पढ़नी जरूरी, साथ साथ में मैं पढ़ाता रहता हूँ वो भी। तो डिसीजन क्या था तो अपन देखते हैं, कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू विदड्रॉ
आरएस मतलब वही रुपए 2000 नोट फ्रॉम सर्कुलेशन ऑन 19 मई 2023। साफ पिक्चर क्लियर है, पिक्चर पूरी क्लियर है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 के जो नोट है आपका उसको सर्कुलेशन यानी जो चल रहा है बाजार में उसको 19 मई से इन्होंने क्या किया, स्टॉप कर दिया, पूरी तरह से स्टॉप कर दिया, सर्कुलेशन से विड्रॉ कर दिया, मतलब बंद कर दिया कुल मिला के। लेकिन आप ये नोट बैंक में ले जाकर एक्सचेंज करवा सकते हो, अभी भी बैंक में ले जाकर एक्सचेंज करवा सकते हो। इसकी भी डेट रखी है सितंबर तक, लगभग सितंबर तक इसकी डेट है, तो आप वहां से ये करवा सकते हो, ठीक है। देन अपने पास में आता है चेंज द नोट 23 मई 2023 टू सितंबर 2023, 110 डे, 110 दिन आपको दिए हैं, 23 मई से लेकर सितंबर, टिल सितंबर, सितंबर तब तक समाप्त नहीं होता तब तक आप कर सकते हो, सितंबर तक आप कर सकते हो, ये नोट चेंज कर सकते हो जितने भी आपके पास में है। लेकिन इसकी भी कुछ रेंज रखी है, शायद 20,000 है, तो 20,000 ही आप एक दिन में कर सकते हो, उससे ज्यादा आप एक्सचेंज नहीं कर सकते हो। देन यहाँ पे फिर पीडियाट्री का एमसीक्यू है, आपके इम्यूनाइजेशन शेड्यूल से आया है, बूस्टर डोज ऑफ डीपीटी इज गिवन एट, बूस्टर डोज डीपीटी है वैक्सीन है उसकी बूस्टर डोज कब दी जाती है ऐसा पूछा है, क्या 10 वीक पर, क्या 14 वीक पर, क्या 5 to 6 year पर, क्या 16 to 24 month पर। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर कि बूस्टर डोज डीपीटी के कब दी जाती है। आपने इम्यूनाइजेशन शेड्यूल तो पढ़ा ही होगा ना, ऐसा तो कोई बच्चा है नहीं जिसने फर्स्ट ईयर कर लिया, सेकंड ईयर कर लिया, थर्ड ईयर कर लिया, इवन तीनों जो जीएनएम का तीनों ईयर के अंदर आते हैं, बीएससी के भी चारों ईयर के अंदर इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पूछा जाता है। इवन आपने ड्यूटी भी की होगी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल इम्यूनाइजेशन के अंदर, तो वहाँ पर भी डीपीटी वैक्सीन लगाया जाता है, डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनस। याद रखना एक बात विशेष है कि पर्टुसिस का जो टीका है वो अपन पर्टुसिस को कब तक इंक्लूड करते हैं, टिल 5 year, 5 year के बाद में पर्टुसिस नहीं होती है, काली खांसी नहीं होती है, होपिंग कप नहीं होता है, तो उसके बाद में नहीं होता है, तो अपन फिर बाद में क्या लगाते हैं, 5 to 6 years के बाद में डीटी लगाते हैं, डिप्थीरिया और टिटनस का डीटी, ओनली फॉर डीटी लगाते हैं, पर्टुसिस वाला वैक्सीन 5 years के बाद में नहीं लगता है। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में देख लेना एक बार आप, नहीं लगता है उसके बाद में। तो इसका राइट आंसर बताना है आपको, और इसका राइट आंसर बिल्कुल सही आ रहा है मेरे पास में, 16 to 24 month बिल्कुल राइट है, क्या है 16 to 24 month, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। देन सेकंड क्वेश्चन अपने पास में, देखो सेकंड बूस्टर डोज कब लगती है, 5 to 6 year, 5 to 6 year पे लग जाती है, उसके बाद में नहीं लगती है, 5 to 6 years तक लग जाए तो लग जाए, उसके बाद में पर्टुसिस नहीं आएगा उसके अंदर, फिर डीटी ही लगेगी, डीपीटी नहीं लगेगी। तो डीपीटी की सेकंड बूस्टर डोज कब लगती है, सेकंड बूस्टर डोज भाई 5 years पे लगती है कम से कम, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग फंटनल इन चाइल्ड इन दिस फर्स्ट टू क्लॉज, क्या पूछा है, आप सभी को पता है कि ये आपके क्या है, स्कल है, बच्चे का स्कल है, ठीक है, मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, ठीक है, ये कोरोनल सूचर दोनों ही, ये फ्रंटल बोन, दोनों ही फ्रंटल बोन है, ये भी फ्रंटल और ये भी फ्रंटल, और ये ऑक्सीपिटल बोन है, ये ऑक्सीपिटल बोन है, सही है, एक तो सूचर यहां पे, एक तो फंडनल यहां पे होता है और एक फंडनल यहां पे होता है, ये एंटीरियर आगे की तरफ होता है, इसको बोलते हैं ब्रेगमा, क्या बोल सकते हैं, ब्रेगमा, डायमंड शेप का होता है ब्रेगमा।
और दूसरा पीछे की तरफ होता है, ट्रायंगुलर शेप का होता है, और इसको अपन क्या बोल सकते हैं, लैम्ब्डा, क्या बोल सकते हैं, लैम्ब्डा। तो ये तो दोनों ही थे फंटेनल। तो ये फंटेनल पूछा है कि फर्स्ट कौन सा क्लोज होता है, ये दो फंटेनल है इन दोनों में से ही बताना है फर्स्टली कौन सा क्लोज होता है। तो आप सभी को पता है, ये तो पीछे वाला जो लैम्ब्डा होता है वो तो होता है डेढ़ महीने पर, 1.5 मंथ या 6 वीक, ठीक है, और ये होता है डेढ़ साल पर, कितने, डेढ़ साल पे होता है। तो आपको जल्दी कौन सा होगा, डेढ़ मंथ वाला होगा, तो डेढ़ मंथ वाला कौन सा है, लैम्ब्डा। तो अब आपको सामने है ऑप्शन, ऑप्शन कौन कौन सा आते हैं देखते हैं अपन, क्या फ्रंटल, क्या मस्टोइड, क्या ऑक्सीपिटल, क्या स्पिनोइड। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे न तो आपको फंटेनल का नाम लिखा है, फंटेनल का नाम नहीं लिख के बोन का नाम लिख दिया वहां पे। फ्रंटल भी बोन होती है, मस्टोइड भी होती है, ऑक्सीपिटल भी होती है, और स्पिनोइड भी होती है। तो अब जो आपका फंटेनल फर्स्ट क्लोज हो रहा है उसके पास में कौन सी बोन आ रही है, उसी का नाम आपका राइट आंसर है। तो ये रेशनल है कुल मिला के। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, बताओ जल्दी से। सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, फ्रंटल होता अगर आपके ब्रेक में आता तो फ्रंटल होता, लेकिन क्या आया है, लैम्ब्डा, और लैम्ब्डा का होता है पीछे की तरफ, तो वो क्या होगा, ऑक्सीपिटल। आया समझ में, बढ़िया गया। तो ये लैम्ब्डा, लैम्ब्डा अपन इसको बोल सकते हैं। देन व्हेन फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस अपीयर इन न्यू बॉर्न बेबी, दो जॉइंटिस होते हैं सभी को पता है, पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल, याद रखना दोनों को, याद रखने का तरीका है आपको सभी को, एबीसीडी के 26 अक्षर तो याद ही है सभी को, तो याद रखना, सिंपल वर्ड बता रहा हूँ, सिंपल तरीका बता रहा हूँ मैं, फिजियोलॉजिकल और क्या होता है पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल का स्पेलिंग लिखो आप PAT और फिर H लिखते हैं पेथो, इस प्रकार से लिखते हैं ना, सही है। तो अब अपन को पूरी स्पेलिंग नहीं लिखनी है, ये सिंपल लिखनी है, PA आया, PA फिर क्या आता है, इस पे फिजियोलॉजी में क्या आता है, PH, ये PH। अब पैथोलॉजी और फिजियोलॉजी के दो दो वर्ड ले लो आप, सबसे पहले वाले तो PA, A पहले आता है और PH, H बाद में आता है, तो पहले कौन सा होगा, जब बेबी का बर्थ हुआ उस समय कौन सा होगा, पैथोलॉजिकल होगा ना, तो PA पहला आ रहा है, पैथोलॉजिकल जॉइंटिस अपीयर होता है सबसे पहले, तो 24 घंटे के अंदर, विद इन 24 घंटे के अंदर होता है, और आफ्टर 24 आवर के बाद में कौन सा होता है, फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस। तो यही पूछा है, 24 से लेकर 48 आवर भी पूछ सकते हैं आपको, 48 आवर भी अपन कंसिडर करते हैं। तो व्हेन फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस अपीयर इन न्यूबॉर्न बेबी, न्यूबॉर्न बेबी के अंदर फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस कब होता है, बाद में होता है। तो अपन ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या आते हैं अपने पास में, एट बर्थ नहीं होता, फर्स्ट वीक आफ्टर बर्थ, फर्स्ट वीक तो बहुत ज्यादा हो जाता है, उन सेकंड डे, इसके बारे में सोच सकते हैं, सेकंड वीक नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर कौन सा हुआ, सेकंड डे। तो ये कब अपीयर होता है, सेकंड डे, कब होता है, सेकंड डे। मतलब आपको 48 आवर बाद में फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस बच्चे को हो सकता है, न्यूबॉर्न बेबी को। देन अपने पास में आता है, अपगार स्कोरिंग इज डन टू अप्राइज द इन्फेंट फॉर सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, मतलब यहाँ पे क्या लिखा है, अपगार स्कोर से रिलेटेड पैरामीटर है आपको सेलेक्ट करने सारे के सारे, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई का मतलब होता है सेलेक्ट करने, तो इंट्रेंस से अपगार स्कोर से रिलेटेड मतलब है आपके पैरामीटर सारे के सारे। तो कौन कौन से हैं, आरएच, सेंसिटाइजेशन, रेस्पिरेटरी रेट, याद रखना पहले ही बोल रहा हूँ मैं, बहुत ही टफ है, रेस्पिरेटरी इफर्ट, टेम्परेचर, कलर और हार्ट रेट, ठीक है। एक ऑप्शन नहीं चूज करना है इनमें से, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई है, सेलेक्ट का मतलब सेलेक्ट करना है कि ये है, ये है, ये है, ये है, इस प्रकार से। देन अब बताओ राइट आंसर, क्या इसके अंदर ए बी और सी होगा,
क्या DEF होगा, क्या CDF होगा, क्या CEF होगा, तो सभी को पता है, देखो सॉल्व करके बता रहा हूं मैं, रेस्पिरेटरी रेट होता है, सभी को पता है रेस्पिरेटरी रेट, सॉरी रेट नहीं होता है, तो यहाँ पे रेट नहीं होता है, एफर्ट होता है, तो इसको अपन ने बाहर कर दिया। देन RH सेंसिटाइजेशन का कोई मीन नहीं है इसके अंदर, तो RH को अपन बाहर कर देते हैं, तो A और B दोनों ही बाहर है, तो यहाँ पे भी A ऑप्शन बाहर, B ऑप्शन बाहर। ये एलिवेशन मेथड है, जल्दी क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका है, ठीक है। फिर देखते हैं रेस्पिरेटरी एफर्ट है, बिल्कुल है साहब, तो सी दोनों में है, चलो छोड़ो। फिर टेम्परेचर नहीं है, डी नहीं है, तो डी को बाहर करो, डी को बाहर किया तो ये सी भी बाहर हो गया, क्योंकि इसके अंदर भी डी ऑप्शन है। अब बचा कौन सा अपने पास में, जो बचा है वो सही है, तो रेस्पिरेटरी एफर्ट है, सी एन कलर है, और हर्ट रेट भी होती है इसके अंदर, तो ये डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आया समझ में, इस प्रकार से सोल्व करना है, मतलब अपगार स्कोर आपने पढ़ा है, अपगार स्कोर के अंदर जो वैल्यूज होती है, उस वैल्यूज को अपन को फाइंड आउट करना था, सेलेक्ट ऑल डेट अप्लाई, मतलब अपगार स्कोर में कौन कौन सी चीजें होती है। RH सेंसिटाइजेशन नहीं होता है, तो अपन ने ए को बाहर किया, ए को जैसे ही बाहर किया तो ऑप्शन में भी ए बाहर हो गया, क्योंकि उसके अंदर ए है। फिर बी को बाहर किया, रेस्पिरेटरी रेट है, एफर्ट होता है, तो रेट है, तो बी को अपन ने बाहर कर दिया। फिर अपन ने देखा सी, सी तो है बिल्कुल, रेस्पिरेटरी एफर्ट होता है। फिर डी को देखा अपने, टेम्परेचर, टेम्परेचर को देखते ही अपन ने पता लगा लिया टेम्परेचर हर्ट इसके अंदर नहीं होता है, अपगार स्कोर के अंदर नहीं होता है, तो अपन ने सी को भी बाहर करिए, क्योंकि इसके अंदर डी आ रहा है। देन डी के अंदर ऑप्शन में अगर देखेंगे सी ई एफ, तो सी रेस्पिरेटरी एफर्ट, ई कलर, और एफ हर्ट रेट, ये तीनों ही है, ये सारे के सारे पैरामीटर इसके है, तो ये डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आया समझ में, आगे बढ़े, तो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर, ये है अपगार स्कोर। अपगार का मीन नहीं होता है अपगार, ए पी जी ए आर, ठीक है। ए का अर्थ होता है अपीरियंस, ए का क्या अर्थ होता है अपीरियंस, तो अपन स्किन कलर देखते हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर रीडिंग होती है मिनिमम, तो होती है अपने पास में अपगार स्कोर की मिनिमम एक सिंपल पैरामीटर की 0 पॉइंट दे सकते हैं अपन, फिर 1 पॉइंट दे सकते हैं, और मैक्सिमम 2 पॉइंट दे सकते हैं, टोटल 10 होती है रीडिंग, ठीक है। तो अगर पेशेंट साइनोटिक है, साइनोटिक का मतलब साइनोसिस हो रखा है, पेल ओवरऑल, ऑल ओवर है, पूरी बॉडी पेल है उसकी, पूरी बॉडी बॉडी ब्लू है, ब्लू ब्लू टाइप हो रही है, अपन उसको 0 नंबर देंगे, ठीक है, कलर के अंदर देखना। फिर 1 पॉइंट अपन कम देंगे जब पेरिफेरल साइनोसिस ओनली, ओनली उसके एक्सट्रीमिटीज अफेक्टेड है, हाथ और पांव वही अफेक्टेड है, तो अपन कितना नंबर देंगे, 1 नंबर। और पूरी बॉडी अगर पिंक है तो उसको बढ़िया, गुड है, ये तो अच्छा है, होना चाहिए ऐसा, तो 2 नंबर पूरे देंगे अपन। आया समझ में। फिर दूसरा अगर अपन देखेंगे पल्स की, तो पल्स में सीधा सा फंडा है, पल्स नहीं आ रही है तो 0 नंबर, और पल्स अगर 100 से कम है तो 1 पॉइंट, और 100 से 140 के बीच में है तो 2 पॉइंट, ये सीधा सा फंडा है। देन ग्राइमेस, ग्राइमेस होता है रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी, मतलब रिफ्लेक्स आ रहे नहीं आ रहे उसके, मगर नो रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, स्टिमुलस देने के ऊपर भी कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है। अपन ने मान लो उसके जेंटल रबिंग करी, जेंटल रबिंग का मतलब होता है बैक में मसाज करना, बैक में मसाज करी तो उससे कोई रेस्पॉन्स नहीं आया है, तो 0 पॉइंट देना है अपन को, क्योंकि वो डेथ है बच्चा, कुल मिला के वो डेथ हो चुका है। और अगर 1 पॉइंट कब देंगे अपन, ग्रीमेस और वीक क्राई वेन स्टिमुलेटेड, स्टिमुलेटेड करने के ऊपर वीक क्राई, मतलब हल्की क्राई करेगा, हल्का रोएगा बच्चा, ज्यादा मतलब भारी भरकम नहीं रोएगा, छोटा थोड़ा बहुत रो लेगा, तो अपन को कितना नंबर देना है उसको, यहाँ पे 1 पॉइंट देना है। और क्राई वेन स्टिमुलेशन, और जोर जोर से रो रहा है बच्चा, जैसे ही अपन ने स्टिमुलेशन दिया, जनरल रबिंग करी और जोर जोर से रोने लग गया बच्चा, तो अपन कितना नंबर देंगे उसको, 2 नंबर, 2 पॉइंट उसको देंगे बच्चे को, ये क्राई है तो इसके अंदर ये दो। फिर आती है एक्टिविटी, एक्टिविटी में टोन देखते हैं अपन, क्या देखते हैं, टोन, टोन का अर्थ होता है हाथ पांव के मूवमेंट, हाथ पैरों के मूवमेंट देखते हैं अपन। तो फ्लोपी, फ्लोपी यानी बिल्कुल फ्लोप है, फ्लोपी यानी फ्लोप होता है, फ्लोप का मतलब कुछ मूवमेंट नहीं है, पूरा फ्लेक्शन है बच्चा,
और पूरा फ्लेक्स्ड, सॉरी फ्लेक्सन के एक्सटेंड है बच्चा पूरा का पूरा, और हाथ पांव उसके ढीले पड़े हुए हैं, ठीक है, टाइट हो रखे हैं मतलब, तो फ्लोपी है, तो उसको अपन 0 पॉइंट देंगे। सम फ्लेक्सन, थोड़ा बहुत फ्लेक्सन है उस बच्चे में, हल्का फ्लेक्सन है 1 नंबर, और वेल फ्लेक्स्ड एंड रीस्टेटिंग एक्सटेंशन। पूरा वह बच्चा क्या हो रहा है, एक्सटेंड भी हो रहा है, फ्लेक्स भी हो रहा है, और सब कुछ अच्छा है, तो अपन एक्टिविटी के अंदर टोन के अंदर 2 नंबर उसको देंगे। फिर है रेस्पिरेटरी एफर्ट, एफर्ट के अंदर क्या होगा कि एपेनिक, एपेनिक यानी सांस नहीं ले रहा है बिल्कुल, तो अपन बिल्कुल 0 नंबर देंगे। 1 पॉइंट कब देंगे, स्लो एंड इरेगुलर ब्रीथिंग कर रहा है, स्लो कर रहा है लेकिन इरेगुलर कर रहा है ब्रीथिंग, थोड़ी बहुत कर रहा है, तो अपन 1 नंबर देंगे। और स्ट्रोंग क्राई, स्ट्रोंग क्राई में पूरा मतलब हो जाता है और लंग्स मेच्योर हो जाते हैं, तो अपन 2 पॉइंट देंगे स्ट्रोंग क्राई के अंदर। तो अब एक सिंपल सा पैरामीटर आपको सीधा सा भी मैं बता दूं कि जो बच्चा है अपने पास में आता है वो, एक तो उसका कलर ब्लू हो रहा है पूरा बॉडी का, पल्स रेट बिल्कुल नहीं आ रही है, रिफ्लेक्स कोई नहीं है उसके, उसके जो रिफ्लेक्स है वो बिल्कुल है ही नहीं, रो ही नहीं रहा है जनरल अभी करने पर भी, और एक्टिविटी बिल्कुल है ही नहीं उसकी, और सांस नहीं ले रहा है मतलब उसकी डेथ हो चुकी है, उसको 0 पॉइंट देना है अपन को सभी ऑप्शन में, और उसका स्कोर कितना होगा 0, ठीक है। देन सेकंड पे जाते हैं 1 पॉइंट पे, 1 पॉइंट में अगर पेरिफेरल साइनोसिस है, हाथ पैर उसके नीले पड़ रहे हैं, तो अपन 1 नंबर देंगे। पल्स रेट 100 से भी कम आ रही है, एंड क्राई तो कर रहा है लेकिन वीक है, थोड़ा बहुत रो रहा है और हल्का फुल्का वो हिल रहा है डुल रहा है, और सांस भी हल्की फुल्की ले रहा है, तो 1 पॉइंट देंगे। और 2 पॉइंट कब देंगे, जब पूरी बॉडी पिंक है और पल्स रेट भी अच्छी आ रही है, 100 से अबव आ रही है, और वो रो भी रहा है, स्टिमुलस देने पर रो रहा है, और वेल फ्लेक्स्ड है बिल्कुल एकदम, और स्ट्रॉन्ग क्राई है उसकी, तो नॉर्मल होता है बेबी, तो अपन कितना देंगे 2 पॉइंट, और 2 पॉइंट सब में देंगे तो कितना हुआ अपगार स्कोर 10, कितना हुआ 10, और 1 पॉइंट सब में देंगे तो अपन तो इसका अपगार स्कोर कितना हुआ 5, और 0 देंगे तो 0, इस प्रकार से 10 होता है अपगार स्कोर। आया समझ में, बढ़े आगे, अब वापस नहीं बताऊंगा मैं। विच इम्यूनोग्लोबुलिन फाइंड इन ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क कोलेस्ट्रम स्पेशली वेजाइनल सिक्रेशन एंड टीयर इज, ये तीनों ही चीजें आपने अगर मेरी प्रीवियस क्लासे देखी होगी, जिसने भी प्रीवियस क्लासे देखी होगी, एमसीक्यू बेच देखा होगा, एमएसएन का एमसीक्यू बेच देखा होगा, मैंने कम से कम 3 बार बताया कि ब्रेस्ट मिल्क में, वेजाइनल सिक्रेशन में और टीयर में, और सलाइवा स्पेशल, एक और टॉपिक मैंने बताया था सलाइवा में, सलाइवा में वेजाइनल सिक्रेशन, टीयर यानी आंसू, आंसू के अंदर और दूध के अंदर, ब्रेस्ट मिल्क के अंदर जो बच्चा पीता है, जिसको अपन कोलेस्ट्रम बोल सकते हैं, पहला मिल्क है भाई, गाढ़ा दूध हो, उसके अंदर भी होता है इम्यूनोग्लोबिन। तो अब कौन सा होता है वो, यही पूछा है इन्होंने, तो क्या IgG होता है, क्या IgM होता है, क्या IgE होता है, क्या IgA होता है। याद रखना, मोस्ट अबंडेंट 80% कौन पाया जाता है, IgG मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज्यादा पाया जाता है बॉडी के अंदर, और IgG मोस्ट अबंडेंट होता है 80% पाया जाता है, 80% ये पाए जाते हैं। देन सेकंड की बात करें M की, तो M होता है मैक्रो, यानी सबसे बड़ा इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन होता है। देन फिर बात करें IgE की, तो ये होता है एनाफाइलेटिक रिएक्शन में आता है, एलर्जिक रिएक्शन जिसको बोल सकते हैं, एलर्जिक रिएक्शन में कौन सा यूज होता है, IgE जब भी बढ़ता है तो एलर्जिक रिएक्शन होता है बॉडी के अंदर। देन IgA सलाइवा में, वेजाइनल सिक्रेशन में, ब्रेस्ट मिल्क में और टीयर में यानी आंसुओं के अंदर IgA पाया जाता है। और ब्रेस्ट मिल्क की बात करें तो इसके अंदर विटामिन कौन कौन से पाए जाते हैं, विटामिन का क्वेश्चन भी आपके पास में आता है, तो याद रखना A, C और E, ए विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, ये किसमें पाए जाते हैं, ब्रेस्ट मिल्क के अंदर। आया समझ में, बड़े आगे, तो ये इसका आंसर कौन सा होगा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, IgA। देन क्विकनिंग अकर, ये यहाँ पे OBG का क्वेश्चन है, जब बच्चा
बर्तन ही होता है, जब उसका वो जब अपने यूट्रस में रहता है, मदर के यूट्रस में, तब की बात है कि क्विकनिंग, क्विकनिंग यानी मदर जो बच्चे का जो मूवमेंट है उसको फेल्ड करती है, तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, क्विकनिंग। वह अपने लोअर जो लेग है उससे क्विक मारता है, किक मारता है, इसको अपन क्विकनिंग बोलते हैं। तो मदर के द्वारा मूवमेंट फेल्ड करना, फील किया जाना, बच्चे का मूवमेंट फील किया जाना, क्या कहलाता है, क्विकनिंग। और क्विकनिंग भी अलग अलग होती है, प्राइमरी ग्रेविडा में अलग वीक पे मिलती है और मल्टी में अलग मिलती है। यहाँ पे कुछ नहीं पूछा है, इसका मतलब अपन को क्या करना है, प्राइमरी पे जाना है, नॉर्मल पे जाना है कुल मिलाकर। तो 5 to 10 weeks, 10 to 14 weeks, 16 to 20 weeks और 20 से लेकर 24 weeks। याद रखना, प्राइमरी ग्रेविडा के अंदर तो मिलता है 16 weeks पर, और मल्टी ग्रेविडा के अंदर मिलता है 18 या 20 weeks के आसपास। तो ऑप्शन कौन सा राइट हुआ, सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आया समझ में, बढ़िया आ गया। नॉर्मल फिटल हार्ट बीट इज, नॉर्मल फिटल हार्ट बीट कितनी होती है, 90 से लेकर 100 इरेगुलर, 100 से लेकर 120 इरेगुलर, 120 से लेकर 140 रेगुलर, और 120 से लेकर 160 रेगुलर। क्या इरेगुलर रहती, क्या रेगुलर रहती, रेगुलर रहती होती कौन सी है, रेगुलर में भी, यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 120 से लेकर 160 रेगुलर रहती है फिटल हार्ट रेट। देन एड्स इज नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर टू बेबी, मदर से बेबी के द्वारा एड्स किसके द्वारा ट्रांसफर नहीं हो सकता है, यहाँ पर नोट लिखा है, याद रखना। अब आप एड्स पढ़ते ही ट्रांसमिशन मदर टू बेबी जैसे ही पढ़ा आपने, और वर्टिकल ट्रांसमिशन पर आप ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे, और इसमें है वर्टिकल भी है, देखो यहाँ पर वर्टिकल नहीं दिया शायद इन्होंने, तो अब नॉट ट्रांसमिट लिखा है कि नॉट ट्रांसमिट, ट्रांसमिट नहीं होता है एड्स, किसके द्वारा नहीं होता है, प्लेसेंटा के द्वारा, तो वर्टिकल है आपके पास में, वर्टिकल नहीं आया तो प्लेसेंटा आ गया, कोई सा भी ऑप्शन तो आ सकता है ना, तो क्या प्लेसेंटा के द्वारा ट्रांसफर हो सकता है, ये तो हो सकता है ना, प्लेसेंटा के द्वारा, तो ब्रेस्ट फीडिंग के द्वारा भी हो सकता है, और नीडल स्टिक इंजरी के द्वारा तो होता ही है एड्स ट्रांसमिशन। अब बचा कौन सा आपके पास में, स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट, ये बिल्कुल राइट आंसर है, स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट ये नहीं होता है, ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से, ये स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट से नहीं होता है एड्स, ये कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है जो स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट से हो जाएगी। बढ़िया आ गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खोपड़ी के दरवाजे खोलने वाले, बिल्कुल इजी क्वेश्चन लगते हैं लेकिन बहुत ही टफ है। बाय प्रोलैक्टिन हार्मोन सीक्रेट फर्स्ट मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क आल्सो नोन एज, हम यहाँ पे सीधा सीधा नहीं पूछा है, यहाँ पे बिल्कुल घुमा के पूछा है इन्होंने, प्रोलैक्टिन क्या करता है, प्रोडक्शन करता है मिल्क का, इतना पता है। तो फर्स्ट ब्रेस्ट मिल्क कौन सा होता है, वही आपका नाम बताना है बस। और ऑक्सीटोसिन का वर्क क्या होता है, ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है उसका वर्क क्या होता है, इजेक्शन ऑफ मिल्क, इजैकुलेशन करना मिल्क का, बाहर की तरफ कम आउट करना, निकालना। क्या मेकोनियम बोल सकते हैं इसको, मेकोनियम किसको बोलते हैं पता है सबको, क्या ब्रेस्ट मिल्क बोल सकते हैं इसको, क्या कोलेस्ट्रम बोल सकते हैं, क्या फोर मिल्क बोल सकते हैं, एक चीज हमेशा याद रखना, अभी तक जितने भी सारे मैंने क्वेश्चन पूछे उनका आंसर लगभग सी और डी में ही मिल रहा है आपको, बी और ए के अंदर बहुत कम मिलता है, याद रखना। जब भी एग्जामिनर पेपर बनाता है, अब मैं यूं नहीं कह रहा हूँ सब में आप सी सी करके आ जाना या डी डी करके आ जाना, यूं नहीं बोल रहा हूँ, पर जब भी आपको कंफ्यूजन लगे कि ए में और सी में कंफ्यूजन है थोड़ा बहुत भी, तो आप सी को ज्यादा प्रायोरिटी देना, उसको एक बार सोचना कि हाँ वास्तव में सी हो सकता है, क्योंकि जब भी एग्जामिनर कोई क्वेश्चन बनाता है तो फर्स्ट में ऑप्शन कौन सा डालता है बिल्कुल डिफरेंट, सेकंड में भी डिफरेंट, सी में चांस रहते हैं कि वह जो ऑप्शन रिलेटेड है उसका, जो उसका आंसर है वो डाल सकता है, और डी में भी डाल सकता है, अधिकतर यही होता है। मेकोनियम क्या है, फर्स्ट स्टूल ऑफ बेबी, बेबी का जो 24 आवर के अंदर फर्स्ट स्टूल पास होता है उसको अपन क्या बोल सकते हैं, मेकोनियम।
और फर्स्ट मदर मिल्क क्या बोल सकते हैं, बेस्ट मिल्क को अपन क्या बोल सकते हैं, कोलेस्ट्रम। तो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आया समझ में, बड़े आगे। ए पॉजिटिव अर्ली डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ, क्या लिखा है कि पॉजिटिव अर्ली डायग्नोसिस करना है प्रेगनेंसी का, वो किसके आधार पर, किसकी प्रेजेंस के ऊपर कर सकते हैं, क्या फिटल हार्ट रेट, अपन क्या चेक करेंगे, फिटल हार्ट रेट, क्विकनिंग, चैडविक साइन और HCG, ये भी OBG का क्वेश्चन है। तो अपन को जब भी प्रेगनेंसी होती है, अर्ली हो चाहे लेट हो, कोई सी भी हो, प्रेगनेंसी में एक चीज का याद रखना है, नॉर्मली भी बहुत सारे प्रोसीजर में अपन याद रखते हैं मेमेसन के अंदर जो आते हैं टॉपिक वाइटल साइन, तो यहाँ पे वाइटल साइन प्रेगनेंसी में कौन सा है, फिटल हार्ट रेट, सभी को पता है। अपन को क्या देखनी है, फिटल हार्ट रेट देखनी है, FHR देखनी है और क्या देखनी है, बस खत्म। चलो अब बढ़ो आगे। विच इम्यूनिटी प्रेजेंट इन ह्यूमन मिल्क, अब इम्यूनिटी पूछा है, इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं पूछा है, कौन सी इम्यूनिटी ह्यूमन मिल्क के अंदर होती है, ब्रेस्ट मिल्क पूछा है इन्होंने। पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी, पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी, एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, सभी को पता है पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी होती है ब्रेस्ट मिल्क के अंदर, पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी होती है, सभी को पता है। पूरा मैं डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत सारे हैं आज, आज को आपको तोहफा देना है, सभी क्वेश्चन लर्न कराना है आपको। तो कौन सी इम्यूनिटी है, पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी। देन अपने पास में क्वेश्चन आता है, आयरन रिक्वायर्ड इन नॉर्मल रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप अपन मान सकते हैं 13 से लेके 45 साल की एज, तो नॉर्मल जो आयरन रिक्वायरमेंट होती है उस एज ग्रुप में कितनी होती है, 3.2 से लेके 3.8 mg, 2.8 से लेके 3.8 mg, 4.0 mg से लेके 4.8 mg और क्या 1.0 से लेकर 2.5 mg, कितने mg की जरूरत होती है, रिप्रोडक्टिव एज की पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है डी, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 1.0 से लेकर 2.5 mg इसकी डोज होती है। देन फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन फैलोपियन ट्यूब, इन द फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो मोस्ट कॉमन किस जगह पे होता है, चार पार्ट होते हैं फैलोपियन ट्यूब के, चारों पार्ट में से मोस्ट कॉमन पार्ट कौन सा है, तो एम्पुला, पहला है इनफंडिबुलम, फिम्ब्राई, एम्पुला एंड स्टमस, इन्होंने पहले ही बोल दिया एम्पुला, तो यही आपका राइट आंसर है, सभी को पता है। सी बिल्कुल, सी से बड़ा प्यार है बच्चों को, सबसे बड़ी चीज है सी से बड़ा प्यार है बच्चों को। देन ये 90% 95% मतलब एम्पुला वाले पार्ट में ही फर्टिलाइजेशन अकर होता है। देन फिटल हार्ट साउंड कैन बी असेस्ड बाय डॉपलर, डॉपलर के द्वारा जो फिटल हार्ट साउंड होती है वो कब असेस की जाती है, तो मतलब कब असेस का मतलब वीक में पूछा है इन्होंने, क्या पूछा है, वीक में, कब असेस, कब से असेस करना स्टार्ट कर सकते हैं अपन, तो यहाँ पे देखें अगर अपन तो 8 से लेकर 10 वीक, अब डॉपलर पूछा है, डॉपलर मशीन, फिटोस्कोप नहीं पूछा है, फिटोस्कोप पूछते तो यहाँ पे 18 से 20 वीक अपन बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, डॉपलर मशीन के द्वारा पूछा है, तो 8 से लेकर 10 वीक, 2 से लेकर 3 वीक पर, 18 से लेकर 20 वीक पर, या 12 से लेकर 10 से लेकर 12 वीक पर। इधर ध्यान दो बच्चों, बच्चों पूछा क्या है, ध्यान दो, ध्यान दो क्वेश्चन के ऊपर, ध्यान दो, डॉपलर पूछा है इन्होंने, इन्होंने फिटोस्कोप नहीं पूछा है, फिटोस्कोप पूछते तो आप बता सकते थे सी को, सी कंसिडर कर सकते थे, लेकिन अभी पूछा क्या है, डॉपलर पूछा है, तो डॉपलर में क्या होगा राइट आंसर, अप टू 12 वीक, अप टू 12 वीक मतलब 12 वीक तक अपन कर सकते हैं, 12 वीक तक कर सकते हैं, 12 वीक से पहले भी है, लेकिन ऑप्शन कौन सा राइट होगा, डी, 10 से लेकर 12 वीक, अप टू 12 वीक अपन फिट डॉपलर से कर सकते हैं असेस, देन 3 वीक से अपन कर सकते हैं, और बाय फिटोस्कोप, फिटोस्कोप के द्वारा 18 से लेकर 20 वीक के बीच में फिटोस्कोप से भी अपन जो हर्ट साउंड है वो सुन सकते हैं, FHR सुन सकते हैं। तो ये जो इमेज है मैंने लास्ट में दिया, मतलब देना पहले चाहिए था, ये आपके डॉपलर मशीन है, क्या है, डॉपलर मशीन है, समझ में, ये क्या है आपको दिख रहा है, जो डॉपलर है,
ये अपना यूज किया होगा। अब जब जीएनएम थर्ड ईयर में ओबीजी नर्सिंग पढ़ रहे हो तो उसमें भी देखा होगा, एंड आपने अगर ड्यूटी की होगी गायनिक में ड्यूटी की होगी, और जो गायनिक वार्ड होता है उसके अंदर ड्यूटी की होगी सबने, एएनसी वार्ड में ड्यूटी की होगी सबने, तो वहां पे ये मिल जाता है, लेबर रूम में भी आपको मिल ही जाता है। देन अपने पास में ये क्या है, दूसरा डिवाइस दिख रहा है आपको अभी जो आया, ये डिवाइस कौन सा है, ये फिटोस्कोप है। तो दोनों ही मैंने बता दिए, डॉपलर और फिटोस्कोप, ये दोनों ही कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट डिवाइस है दोनों ही। तो फिटोस्कोप से कब सुन सकते हैं, डॉपलर से कब सुन सकते हैं। बड़े आगे, आफ्टर द मेम्ब्रेन रप्चर व्हाट इज द प्रायोरिटी असेसमेंट फॉर द नर्स। मेम्ब्रेन को रप्चर करने के बाद में प्रायोरिटी असेसमेंट क्या होगा नर्स का, क्या असेस करेगी नर्स सबसे पहले। ऑप्शन है आप सभी के सामने, FHR, ब्लड प्रेशर, प्रेजेंटेशन, पेल्विक एग्जामिनेशन। ऐसा सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, याद रखना, वन लाइनर क्वेश्चन है और पूछे जाते हैं एग्जाम में। अपन स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और पढ़ कितना रहे, एम्स जितना। FHR, ब्लड प्रेशर, प्रेजेंटेशन, पेल्विक एग्जामिनेशन, फोर ऑप्शन है। रास्ता ये क्या आपके पास में, कोई सा भी एक चूज करके बताना है। यहाँ पे FHR बिल्कुल करेक्ट आंसर है, फीटल हार्ट साउंड। देन अपने पास में आता है टोटल वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज अबाउट, ये सबको पता है, 9 to 10 kg, 10 to 11 kg, 11 to 12 kg, 12 to 13 kg। याद रखना एक चीज का विशेष कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है प्रेगनेंसी के, 3 trimester होते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। फर्स्ट जो ट्राइमेस्टर होता है वो 12 वीक का होता है, उसके अंदर 1 kg वेट गेन करती है महिला। कितना केजी, 1 kg वेट गेन करती है। चलो 1 kg हो गया। सेकंड ट्राइमेस्टर की बात करें तो कितना केजी और करती है वेट गेन, 5 kg, लगभग 5 kg। और थर्ड के अंदर भी कितना होता है, थर्ड के अंदर भी 5 kg कंसिडर किया जाता है। कितना किया जाता है, 5 kg कंसिडर किया जाता है। टोटल कितना हुआ तीनों को मिला के, 11 kg हुआ। अब 11 ऑप्शन में है दो जगह पे, 10 से 11 भी है और 11 से 12 भी है। तो याद रखना अपने पास में रेंज 11 आ रही है, तो 11 से 10 नहीं हो सकता, 12 हो सकता है, 10 नहीं हो सकता, 10 होगा तो एबनॉर्मल होगा, याद रखना। तो अपन 10 वाले को काटेंगे, तो बी वाला को अपन ने काट दिया, तो ये पहले से ही कट गया। और 12 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 12 से ज्यादा होगा तो चलेगा, मतलब 11 से कम नहीं होना चाहिए, 11 तो होना ही चाहिए। तो 11 है, एसी में है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सी बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपके 11:30 भी आता है ऑप्शन में तो भी करेक्ट है, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन देते हैं, ये मैंने बनाया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन ही आते हैं, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ आईओडी इंसर्शन इज, सभी को पता है, पेन, ब्लीडिंग, परफोरेशन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्या पेन होगा, क्या ब्लीडिंग होगा, क्या परफोरेशन होगा, क्या एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगा, आपको बताना है राइट आंसर। बताइए भाई इसका राइट आंसर। अगर मैं ब्लीडिंग की जगह पे हेमरेज लिखता तो वो भी राइट होता, और ब्लीडिंग लिखा है वो भी राइट है। तो आईओडी इंसर्शन का ब्लीडिंग मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। देन पैप स्मियर, पेपेनी कोलाऊ अपन इसको बोल सकते हैं, इज यूज्ड फॉर स्क्रीनिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। पूछा क्या है इन्होंने, किसके लिए अपन पैप स्मियर करते हैं, क्या अपन सर्वाइकल कैंसर के लिए करते हैं, क्या ब्रेस्ट कैंसर के लिए, क्या ओवेरियन कैंसर के लिए, क्या एंडोमेट्रियल कैंसर के लिए।
तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, एंडोमेट्रियल। सर्वाइकल रिलेटेड टू सर्विक्स, ब्रेस्ट ब्रेस्ट रिलेटेड टू ब्रेस्ट है, सभी को पता है। ओवेरियन मतलब ओवरी से रिलेटेड, एंडोमेट्रियम यूट्रस से रिलेटेड, यूट्रस के अंदर की तरफ कैंसर होना एंडोमेट्रियल कैंसर कहलाता है। ठीक है, तो आपको राइट आंसर बताना है कौन सा है। ये बिल्कुल करेक्ट है, याद रखना। सर्विक्स सर्वाइकल कैंसर के लिए पैप स्मीयर टेस्ट किया जाता है। कॉन्ट्रासेप्टिव एंड पिल हेल्प इन बर्थ कंट्रोल बाय, किसके द्वारा बर्थ कंट्रोल को हेल्प मतलब प्रिवेंट करने में हेल्प करती है? कॉन्ट्रासेप्टिव और पिल दोनों ही। क्या करती है वो? ऐसा किलिंग ऑफ ओवा, प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन, किलिंग ऑफ स्पर्म और फॉर्मेशन बैरियर बिटवीन स्पर्म एंड ओवा। क्या इसका राइट आंसर? क्या वो ओवा को बिल्कुल खत्म कर देगी, मार देगी? क्या ओव्यूलेशन को कंट्रोल करेगी मतलब प्रिवेंट करेगी, ओव्यूलेशन नहीं होने देगी? क्या स्पर्म को मार देगी? क्या वो बैरियर मेथड का काम करेगी बीच में स्पर्म और ओवा के बीच में? अब अपन को राइट आंसर दे। कॉन्ट्रासेप्टिव एंड पिल, पिल पूछा, पिल मतलब टेबलेट, टेबलेट फॉर्म में जो कॉन्ट्रासेप्टिव टेबलेट आती है उसके बारे में पूछा इन्होंने। वो किसके द्वारा बर्थ को कंट्रोल करती है? बताना है आपको राइट आंसर, ओनली फॉर राइट आंसर ही बताना है, फर्जी आंसर मत बताना, पहले ही बोल रहा हूं मैं। अनर्गल जो भी करेगा और उसका खामियाजा एक बार सभी को भुगतना पड़ गया है लगभग, अब के बार में चैनल से ही ब्लॉक हो जाओगे तुम सब अगर कोई भी ऊंची नीची हरकत की तो, पहले ही बोल रहा हूं मैं। इसका राइट आंसर बताओ, प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन को ही प्रिवेंट करेगा है। क्या करेगा? ओव्यूलेशन को ही प्रिवेंट कर देगा, ताकि ओव्यूलेशन ही नहीं होगा तो सारी फसाद की जड़ ही मिट जाएगी, मेन जो है उसी को ही ये समाप्त कर देगा, ओव्यूलेशन ही नहीं होने देगा। चलो आगे बढ़ो। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव एजेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट पूछा है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव एजेंट का। ठीक है, तो क्या LH है, क्या GH? LH का अर्थ होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, GH का अर्थ होता है ग्रोथ हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन एंड थायरोक्सिन हार्मोन। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन सा होता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर? हमने पढ़ा भी होगा, अपने सब चीजें आपके पास में ही रहती है, आपके आसपास में ही भटकती है, पर आप कभी ध्यान नहीं देते हो। एवन बहुत सारे जनों ने तो फैमिली प्लानिंग में ड्यूटी भी की होगी और वहां पे हमने टेबलेट वितरण करने का काम भी करते होंगे बहुत सारे, तो उन्होंने भी देखा होगा ये चीजें। तो कौन सा था कंटेनर आपको बताना है? पिल आती है ओरल, ओरल का मतलब वही टेबलेट आती है, टेबलेट में कौन सा कंटेंट आता है? प्रोजेस्टेरोन आता है ना, सभी को पता है ना प्रोजेस्टेरोन आता है। चलो आगे बढ़ो। ह्यूमन क्रोनिक कोरियोनिक हार्मोन, कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन यानी HCG के बारे में पूछा है, तो किसके द्वारा ये सीक्रेट होता है? सीक्रेट कहां से होता है मतलब सीक्रेटेड बाय कौन सी ग्लैंड सीक्रेट करती है HCG को? क्या ह्यूमन ग्लैंड सॉरी थायराइड ग्लैंड करती है, ओवरी करती है, यूट्रस करती है, बीटा सिंसियो ट्रोपोब्लास्ट, सिंसास्टो ट्रोपोब्लास्ट इसको बोल सकते हैं। ये आपके प्लेसेंटा से रिलेटेड है, प्लेसेंटा की जो कवरिंग है लेयर है उससे रिलेटेड है। क्या बीटा सिंसियो ट्रोपोब्लास्ट से रिलीज होता है HCG? क्या यूट्रस से, क्या ओवरी से, क्या थायराइड ग्लैंड से? इसका राइट आंसर बताना है मुझे। चलो छोड़ो मैं ही बता देता हूँ, ये बीटा सिंसियो ट्रोपोब्लास्ट से रिलीज होता है। देन अफगार स्कोर इज 9, अफगार स्कोर आया है बेबी का 9। मीन बेबी कंडक्शन इज गुड, पुअर, ग्रेस, वेरी पुअर। क्या उसकी कंडीशन गुड है, क्या उसकी हालत खराब है, क्या ग्रेस है मतलब ठीक ठाक है, क्या वेरी पुअर मतलब बिल्कुल ही खराब है? कुछ नहीं करना, 10 होता है अफगार स्कोर में, 9 आ रहा है तो ठीक ही तो है, ए गुड है बिल्कुल, कुछ नहीं है, ऐसे ही डाल दिया क्वेश्चन। विच साइन इज सीवियर डिहाइड्रेशन, सीवियर डिहाइड्रेशन का साइन कौन सा है? लगा लेना स्टेट गवर्नमेंट स्टाफ नर्स वैकेंसी जो है आपके आने वाली है उसके अंदर 2023 सितंबर 2023 का जो एग्जाम है फाइनल क्वेश्चन है। विच साइन इज सीवियर डिहाइड्रेशन हर एग्जाम में पूछा जाता है, डिहाइड्रेशन से रिलेटेड, डायरिया डिहाइड्रेशन,
और दोनों ही और वोमिटिंग दोनों ये तीनों ही चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। और फिर इससे क्या होता है, वेट लॉस होता है, वीकनेस आती है, लेथार्जी होता है पेशेंट, सारे के सारे साइन आते हैं उसके अंदर। फिर मेटाबॉलिक एल्कलोसिस देखने को मिलता है। तो सनकन फंटनल, स्किन ट्रगर, रुक जाओ, अभी रुक जाओ, सीवियर डिहाइड्रेशन के चारों साइन आपके सीवियर डिहाइड्रेशन के ही है, आपको राइट आंसर देना, अभी रुक जाना, तीसरा बाकी है, चौथा बाकी है, क्या सनकन फंटनल होगा, क्या स्किन ट्रगर होगा, हाइपोटेंशन डिहाइड्रेशन का साइन है, अभी चौथा लेथर्जी, अभी सारे बताए थे मैंने, अब बताओ राइट आंसर कौन सा है, सीवियर पूछा है। इवन डिप्रेस्ड फंटनल भी बोल सकते हैं, संकन फंटनल को डिप्रेस्ड फंटनल, डिप्रेस्ड आई, संकन आई बोल सकते हैं, संकन आई भी होती है, मतलब आंखें अंदर की तरफ धसी हुई, डिप्रेस्ड नहीं, नीचे की तरफ अंदर की तरफ धसा हुआ फंटनल। एंड स्किन ट्रगर, स्किन ट्रगर का मतलब अपन स्किन के ऊपर जैसे ही प्रेस करेंगे मिडिल एंड इंडेक्स फिंगर को, फिंगर के बीच में, तो स्किन की जो नॉर्मल एनाटोमिकल पोजीशन अपन वापस इसको छोड़ेंगे, तब नॉर्मल एनाटोमिकल पोजीशन में जाने में स्किन को क्या होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, 3 सेकंड से भी ज़्यादा का टाइम लगेगा, तो अपन बोल सकते हैं इसको डिहाइड्रेशन है, पानी की कमी है। हाइपोटेंशन यानी बीपी उसका कम हो जाएगा, ये भी होता है, लेथर्जी यानी थका हुआ महसूस करता है, तो ये भी होता है। तो सनकन आई या सनकन फंटनल ये भी होता है। तो इसका जो सीवियर डिहाइड्रेशन का साइन है वो कौन सा है, ये ए बिल्कुल करेक्ट है, सनकन फंटनल। याद रखना जब भी छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे को अगर डायरिया हुआ या डिहाइड्रेशन हुआ, तो अपन जब भी पेशेंट छोटे बच्चे को डॉक्टर साहब के पास में ले जाएंगे, तो डॉक्टर क्या करेगा, सबसे पहले जाते से ही क्या करेगा, उसके सिर में हाथ घुमाएगा, सबसे पहले देखना, आप खुद ऑब्जर्व करना, जब भी आप लेके जाओगे बच्चे को, तो वो क्या करेगा डॉक्टर, अपने बच्चे के सिर में हाथ लगाएगा। सिर में हाथ लगाने का मतलब उसका ये नहीं है कि सिर को वो सहलाएगा, उसको सहला नहीं रहा है, वो उसका फंटनल चेक कर रहा है। फंटनल मतलब एंटीरियर भी फंटनल उसका चेक करेगा, पोस्टीरियर भी करेगा, पर डॉक्टर है, रोज की प्रैक्टिस है उसकी, तो वो एक ही बार में कर लेता है डिप्रेस्ड है या नहीं है। तो ये सनकन फंटनल की वजह से आप देखना, एक को बसासेगा, दो को बसासेगा, ऐसा थोड़ी होता है सबको बसासेगा, नहीं, वो सबको सहलाएगा ऐसा तो हो पॉसिबल नहीं है, वो उसको कुछ ना कुछ चेक करना है, इसीलिए वो फंटनल को चेक करने के लिए सर में हाथ घुमाएगा बच्चे के। ये ए बिल्कुल करेक्ट, ये सीवियर साइन है बच्चे का। और अपन क्या पढ़ रहे हैं, पीडियाट्रिक, पीडियाट्रिक किसके लिए, बच्चों के लिए। चलो बढ़े आगे, विच वैक्सीन स्टोर इन फ्रीजिंग कंपार्टमेंट, फ्रीजिंग यानी डीप फ्रीज बोल सकते हैं अपन उसको, तो कौन सी वैक्सीन है वो फ्रीजिंग कंपार्टमेंट में रखी जाती है, मतलब डीप फ्रीज में रखी जाती है। याद रखना, क्या डीपीटी, क्या टीटी, क्या बीसीजी, क्या मीजल्स, चार वैक्सीन आपके पास में है। अब आप खुद सोचो, बीसीजी जहां पर रखी होती है, मीजल्स भी वहीं रखी होती है, सबने देखा ही है ना मीजल्स और बीसीजी को, तो थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा डिफरेंस है। अब फ्रीजिंग कंपार्टमेंट लिखा है, तो कौन सी वैक्सीन है वो फ्रीजिंग कंपार्टमेंट में रहती है, सबसे नीचे की तरफ डीप फ्रीज में रहती है। अब आ रहा है कुछ समझ में, आया, ओके फाइन, मीजल्स, मीजल्स होती है फ्रीजिंग कंपार्टमेंट के अंदर। देन नॉर्मली बाय 1 ईयर ऑफ एज, 1 साल की एज पर द बर्थ वेट ऑफ एन इन्फेंट शुड इंक्रीज बाय 3 टाइम, 2 टाइम, 4 टाइम और 6 टाइम, मतलब 1 साल की एज तक बच्चे का कितना गुना वेट इंक्रीज होता है, ये पूछा है क्वेश्चन ने, 3 गुना, 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना। तो याद रखना 3 गुना बढ़ता है, कितना बढ़ता है 3 गुना, 2.5 किलो होता है, फिर 1 गुना और बढ़ेगा, कितना हुआ 5 किलो, फिर 1 गुना और बढ़ेगा, 2 गुना बढ़ गया मतलब 7.5 किलो हो गया, 3 गुना बढ़ेगा मतलब 10 kg हो जाएगा, और 1 ईयर का बच्चे का वेट कितना होता है 10 kg। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 3 टाइम बढ़ेगा। बढ़े आगे, साइनोसिस इन ए चाइल्ड कैन बी सीन इन ऑल द प्लेस मेंटोइंड बिलो एक्सेप्ट नेल बेड्स, टंग, लिप, स्क्लेरा। लिखा क्या इन्होंने,
कि अपन सारी जगह से साइनोसिस को असेस कर सकते हैं। बच्चे के अंदर साइनोसिस को वो तीन जगह से असेस कर सकते हैं, एक को छोड़ के। अब एक कौन सा छोड़ना है, अपन को कौन सी जगह से साइनोसिस असेस नहीं किया जाता है? नेल बड्स से, टंग से, लिप से, स्क्लेरा से। तो स्क्लेरा से साइनोसिस असेस नहीं होता है। लिप से असेस कर सकते हैं, टंग से भी कर सकते हैं साइनोसिस, क्योंकि यहाँ पे भी ब्लू ब्लू निशान आ जाएगा। नेल में आते ही नेल के अंदर यहाँ पे सफेद सफेद हो जाता है, व्हाइट हो जाता है। देन व्हाइल एग्जामिनिंग ए 2-year-old चाइल्ड, जब 2 साल के बच्चे का एग्जामिनेशन किया जा रहा है, द नर्स इंचार्ज सीज दैट एंटीरियर फंटेनल इज ओपन, द नर्स शुड, एंटीरियर फंटेनल है वो ओपन है, तो नर्स क्या करेगी? आस्क अबाउट ए फैमिली हिस्ट्री ऑफ टेसेट्स डिजीज, रिकॉग्नाइज दिस ए नॉर्मल फाइंडिंग। ओपन का मतलब है क्लोज नहीं हुआ है, ठीक है। अब एंटीरियर फंटेनल 2 साल की एज पर आप खुद सोचो, क्लोज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 2 साल का बच्चा है, क्लोज हो जाना चाहिए, 1.5 साल पर क्लोज होता है, हो जाना चाहिए, ये तो नॉर्मल फाइंडिंग नहीं है। तो बी तो है इनकरेक्ट, ये रैशनल है, याद रखना ये रैशनल वाला क्वेश्चन है। नोटिफाई द डॉक्टर, क्या डॉक्टर को नोटिफाई करोगे? और लुक फॉर द अदर साइन ऑफ एब्यूज, क्या अदर साइन, मतलब अदर साइन क्या आ रहे हैं उसके, उसको अपन फाइंड आउट करेंगे। और पहला क्या था ऑप्शन, आस्क अबाउट फैमिली हिस्ट्री एंड टेसेट्स डिजीज, का उसकी डिजीज के बारे में पूछेंगे, क्या उसकी डिजीज है क्या नहीं हुई है, पहले हिस्ट्री पूछेंगे उसको। अब राइट आंसर बताना आपको क्या होगा इसका, तो राइट आंसर कौन सा होगा इसका? नोटिफाई द डॉक्टर, इसके अलावा अपने पास में कोई ऑप्शन नहीं है, अपन उसको हिस्ट्री पूछ लेंगे तो भी कुछ नहीं होने वाला है। और अपन उसके एब्यूज साइन वगैरह देखेंगे, तो अपन देख के क्या करेंगे, नॉर्मल फाइंडिंग है ही नहीं, अपन को क्या करना पड़ेगा, फंटनल क्लोज नहीं है, 2 साल तक भी क्लोज नहीं है, अपन को उसके कुछ नहीं करना है, उसको डॉक्टर को ही बताना है, डॉक्टर के पास जाओ या नोटिफाई करना डॉक्टर को कि इसका फंटनल अभी तक क्लोज नहीं हुआ है, डॉक्टर साहब पधारिए आप और इसका कुछ कीजिए। यही अपने पास में है और कुछ नहीं कर सकते अपन, ठीक है, आया समझ में? बढ़े आगे, सोना मत किसी को भी, बोल रहा हूँ मैं, आज की बहुत स्पेशल क्लास है और लाइव रहेगी ओनली फॉर, याद रखना है ओनली फॉर लाइव है, इसके बाद में वीडियो डिलीट, इसके बाद में चैनल पर नहीं मिलेगा ये कंटेंट। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे इस क्वेश्चन का तो ले सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है ये, एम्स में यही पैटर्न था, अभी नया जो एम्स हुआ अभी, एम्स का एग्जाम, उसके अंदर यही सेम पैटर्न था। देन अपने पास में आते हैं, व्हेन एडमिनिस्ट्रिंग IM इंजेक्शन टू एन इन्फेंट, द नर्स इंचार्ज शुड यूज विच साइड, क्या पूछा है इन्होंने, इन्फेंट के अंदर पूछा है। अब याद रखना IM इंजेक्शन तो पूछा है, IM इंजेक्शन की साइड कौन सी होती है, क्योंकि IM के भी इंजेक्शन के बहुत सारे टाइप होते हैं, वास्टस, लेटरलिस, मैक्सिमस, वो सारे के सारे टाइप होते हैं। तो इन्फेंट के अंदर पूछा है, छोटे बच्चे के अंदर, तो जैसे ही बच्चा अपने पास में होता है एट बर्थ, मतलब जैसे ही बच्चे का बर्थ होता है, अपन एक उसके टीका लगाते हैं, टीका हुआ, इंजेक्शन हुआ, कुछ भी बोल सकते हैं आप, इंजेक्शन बोल सकते हो, तो इंजेक्शन लगाते हैं अपन, जिसको अपन बोल सकते हैं विटामिन के, ठीक है। तो विटामिन के का इंजेक्शन कहाँ पे लगता है, बच्चे के IM ही लगता है, और IM में भी कौन सी, वास्टस लेटरलिस मसल्स पे लगता है। तो यही तो पूछा है इन्होंने कि IM इंजेक्शन लगाना है, इन्फेंट का लगाना है, नर्स इंचार्ज है वो कौन से साइड को यूज करेगी। अब ऑप्शन देखते हैं अपन, ऑप्शन में वो चीज है कि नहीं है जो अपन सोच रहे हैं। अब ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना कभी भी ध्यान रखना, एक एक लाइन को, एक एक चीज को अपन को पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है, क्या डेल्टोइड, क्या वेंट्रोक्लूटियल, क्या वास्टस लेटरलिस। ये वेंट्रोक्लूटियल क्या होता है, देखो पहले तो डेल्टोइड, रेबीज का वैक्सीन सबने लगवाया, डेल्टोइड मसल्स, मतलब ये वाली अपर आर्म वाली, अपर वाली भी फोर आर्म वाली जो मसल्स है वो वाली डेल्टोइड मसल्स होती है। वेंट्रोक्लूटियल कौन सी होती है, जो आपके नॉर्मली IM इंजेक्शन लगता है वो वेंट्रोग्लूटियल है, जो एडल्ट के लगता है, मतलब IM इंजेक्शन बटक्स वाला एरिया। और वास्टस लेटरलिस जो बच्चों में, बच्चों में थाई के अंदर जो लगता है आउटर साइड में, थाई के भी आउटर साइड में,
और डॉर्सोग्लूटियल, तो सी बिल्कुल करेक्ट है, वास्टस लेटरली। याद रखना अप टू 1 ml, अप टू 1 ml डेल्टोइड में, अप टू 1 ml, 1 ml से ज्यादा अपन नहीं देते, 1 ml से ज्यादा डेल्टोइड में नहीं लगाते। और इन तीनों साइड के अंदर अपन दे सकते हैं 3 to 5 ml या अप टू 5 ml अपन दे सकते हैं। अप टू का अर्थ होता है वहां तक, 5 तक, 5 से ज्यादा नहीं। ठीक है, आया समझ में, बड़े आगे। अब आया क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा क्वेश्चन है, घबराना मत, पहले बोल रहा हूं, एक बार के लिए भी मत घबराना, ऐसा ऐसा क्या, इससे भी बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाओ, अपन चुटकियों में सोल्व करके बताएंगे उसको। तो देखो, अब पहले क्वेश्चन को देखो, आप क्या लिखा है क्वेश्चन में, एक एक वर्ड बता रहा हूं मैं आपको। ए फीमेल चाइल्ड एज है 2 साल, 2 साल की है फीमेल चाइल्ड, मतलब एक बच्ची है 2 साल की। ब्रोट इन लाना या लाया गया, कहां पे लाया गया, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। ठीक है, आफ्टर इंजेस्टिंग एन अननोन नंबर ऑफ एस्पिरिन टैबलेट अबाउट 30 मिनट अर्लियर, क्या पूछा इन्होंने, उसने खाई है, क्या खाई है, एस्पिरिन की टैबलेट खाई है, कितनी खाई है पता नहीं है, 3 खाई 4 खाई 5 खाई है पता नहीं है, 30 मिनट हो गए उसको, कितने हुए 30 मिनट हो गए एस्पिरिन की टैबलेट खाए हुए, और कितनी खाई है पता नहीं है, 30 मिनट से उसने खाई है और अब हम लेके आए हैं एस्पिरिन की टैबलेट खाई है उसने। एन एंटरिंग एंड एग्जामिनेशन रूम, जब वह एंटर करेगी एग्जामिनेशन रूम के अंदर, द चाइल्ड इज क्राइंग, और चाइल्ड क्या कर रहा है, बच्चा बच्ची क्या कर रही है, रो रही है। एंड क्लीनिंग क्लींजिंग टू द मदर, और मदर क्या कर रही है, उसको शांत करा रही है। विच डाटा शुड द नर्स ऑब्टेन फर्स्ट, पूछा क्या है, सिनेरियो बेस्ड है, याद रखना बिल्कुल सिनेरियो बेस्ड है। चाइल्ड है 2 साल की है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाया है उसको, और उसने पता नहीं कितनी टेबलेट खाई है, लेकिन खाई है एस्पिरिन की टेबलेट खा रखी है 30 मिनट पहले, और जब उसको एंटर कर रहे हैं एग्जामिनेशन रूम में, तब वह जोर जोर से चिल्ला रही है, रो रही है। अब नर्स क्या करेगी, सबसे पहले उसकी प्रायोरिटी, नर्स के बारे में पूछा है, नर्स उसके लिए क्या करेगी। अब आंसर जनरेट हुआ कि नहीं हुआ आपके दिमाग में, नहीं हुआ, सिनेरियो बेस में कभी नहीं होगा आंसर जनरेट, आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। चलो, नंबर ऑफ इम्यूनाइजेशन रिसीव्ड, उसको कितने इम्यूनाइजेशन टीके लगे हैं, उसके नंबर को अपन पता करेंगे, अपन लेंगे, क्या ऐसा करेंगे, अपन हाइट एंड वेट मॉनिटर करेंगे, रिसेंट एक्सपोजर टू कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज को रिसेंट एक्सपोजर करेंगे, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट और बीपी, ब्लड प्रेशर, ये मॉनिटर करेंगे। करेंगे क्या, एस्पिरिन खाई है उसने, एस्पिरिन से क्या होता है, सबसे पहली चीज ब्लड पतला होता है, सभी को बताया, देखो सिंपल बता रहा हूं मैं, सिंपल राठौड़ी लैंग्वेज में बता रहा हूं, एस्पिरिन से क्या होता है, ब्लड पतला होता है, ब्लड पतला होगा तो ब्लड ज्यादा बहेगा, ज्यादा बहेगा तो हार्ट रेट क्या होगी, ऊपर नीचे होगी, बीपी क्या होगा, ऊपर नीचे होगा, रेस्पिरेटरी की रेट क्या होगी, ऊपर नीचे होगी, तो चेक क्या करेंगे अपन, वही तो चीज चेक करेंगे। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसमें कोई सोचने की बात नहीं, क्योंकि इम्यूनाइजेशन से, हाइट वेट से उसका कोई रिलेशन नहीं है, इनको एलिवेट कर दो। कम्युनिकेबल डिजीज, ये कम्युनिकेबल डिजीज कहाँ से आ गई, यहाँ पे क्या हुआ है, टेबलेट खाई है एस्पिरिन की और कुछ नहीं किया है, तो ये चीजें है ही नहीं, तो चलो ये डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बड़े आगे, मैं भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। अब ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे देखना एग्जाम में, सारी एग्जामों में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको भरमार। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, टू डिक्रीज द लाइकलीहुड ऑफ ब्रेडी अरिदमिया हुआ है इन चिल्ड्रन ड्यूरिंग एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन, क्या है, डिक्रीज लाइकलीहुड ब्रेडी अरिदमिया, ब्रेडी अरिदमिया है पेशेंट को और वह छोटा बच्चा है, ड्यूरिंग एंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेशन, एंडोट्रेकियल ट्यूब जो है वो इंट्यूबेशन कर रहे हैं अपन, डाल रहे हैं उस समय, सक्सिनाइल कोलिन एनेक्टिन इज यूज्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट, सक्सिनाइल कोलिन का यूज किया है उसके साथ में कौन सा एजेंट, एट्रोपिन सल्फेट, लिडोकेन,
हाइड्रोक्लोराइड या जाइलोकेन बोल सकते हैं, आइसोप्रोटेरोनोल आइसोप्रेल बोल सकते हैं इसको, एपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन अपन इसको बोल सकते हैं। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसका? तो ब्रेडी अरिथमिया से ही अपन को यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है। तो ब्रेडी यानी कम होना, हार्ट रेट कम हो रही है, हार्ट रेट जा रही है पेशेंट की, सक्शनाइल कोलिन चला रहे हैं उसको, तो अपन उसके साथ में क्या देंगे, तो वापिस हार्ट रेट आ जाएगी अपने पास में। तो हार्ट रेट आने के लिए अपन क्या देते हैं, एट्रोपिन सल्फेट देते हैं ना। तो सोचने की कहाँ बात है, एट्रोपिन सल्फेट ही तो देनी है अपन को, अपन को कुछ नहीं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देख लो, कंडीशन क्या दे रखी है, कंडीशन ब्रेडी अरिथमिया दे रखी है। तो ब्रेडी अरिथमिया पल्स रेट डाउन हो रही है, पल्स रेट को अप करना है अपन को। चलो, ए वन ईयर एंड टू मंथ ओल्ड चाइल्ड वेगिंग 11.8 केजी, एक साल और दो महीने का बच्चा है, ठीक है, 11 किलो उसका वेट है, 11.8 केजी उसका वेट है, मतलब लगभग 12 किलो वेट है मान लीजिए, ठीक है। इज एडमिटेड फॉर ट्रैक्शन टू ट्रीट कंजेनाइटल हिप डिसलोकेशन, कंजेनाइटल हिप डिसलोकेशन है उसको, कंजेनाइटल का अर्थ होता है जन्मजात, जन्मजात उसके हिप है जो वो एसीडब्ल्यूएम कैविटी में प्रॉपर फिट नहीं है और ट्रैक्शन है, एडमिटेड फॉर ट्रैक्शन, ट्रैक्शन के द्वारा उसको एडमिट किया है। व्हेन प्रिपेयरिंग द पेशेंट रूम द नर्स एंटिसिपेट यूजिंग विच ट्रैक्शन सिस्टम, अब कौन सा ट्रैक्शन सिस्टम उसको यूज करेगी नर्स, सारे ट्रैक्शन बताऊंगा मैं, याद रखना, बक्स एक्सटेंशन ट्रैक्शन, 1990 ट्रैक्शन, ओवरहेड सस्पेंशन ट्रैक्शन और बरियांड ट्रैक्शन। बरियांड ट्रैक्शन क्या होता है, बक्स एक्सटेंशन ट्रैक्शन क्या होता है, 1990 ट्रैक्शन क्या होता है, ओवरहेड सस्पेंशन ट्रैक्शन क्या होता है, सारे के सारे ट्रैक्शन एक एक करके वन बाय वन करके अपन को बताओ। ये आपके थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, इसमें आपको नहीं पता होगा, शायद नया होगा ये क्वेश्चन आप सभी के लिए। तो मैंने भी फर्स्ट बार जो पढ़ा था वो मेरे को भी नया लगा था, और मैंने चारों की स्टडी वापस एक बार से की थी, तभी जाके समझ में आया था मेरे को। तो चलो मैं बता देता हूँ इसका आंसर, इसका आंसर है बरियांड ट्रैक्शन। अब ये क्या होता है बरियांड ट्रैक्शन, किस प्रकार से होता है वो देखते हैं अपन। चलो, ये बरियांड ट्रैक्शन है, सॉरी हाँ ये बरियांड ट्रैक्शन है, ये दिख रहा है आपको, नी स्लाइडली फ्लेक्स्ड है ऊपर की तरफ और बटक्स स्लाइडली एलिवेटेड है क्लियर टू बेड, बेड से आप थोड़ा सा एलिवेट है ऊपर की तरफ, ठीक है, बेड के बिल्कुल टच नहीं है, ये ट्रैक्शन है। ये कब यूज किया जाता है, इट इज यूज टू ट्रीट फिमोरल फ्रैक्चर, ये फिमोरल फ्रैक्चर के लिए यूज किया जाता है, यहाँ पे हिप डिसलोकेशन हो रहा था, ऑफ फिमोरल फ्रैक्चर ऑफ कंजेनाइटल हिप डिसलोकेशन इन चिल्ड्रन अंडर एज टू हु वेट लेस देन 13.6 किलो, 13.6 किलो से कम का अगर बच्चा है और दो साल तक का बच्चा है, अंडर दो साल तक का, दो साल है लेकिन वेट भी दे रखा है, तो वेट कितना है 13.6 केजी, तो अपन कौन से ट्रैक्शन का यूज करेंगे, बरियांड ट्रैक्शन, उसके बाद में बरियांड का यूज नहीं किया जाएगा, उसके बाद में 1990 का यूज किया जाएगा। 1990 क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा अभी। तो 13 किलो से बड़ा या 2 साल से बड़ा बच्चा है तो उसके लिए 1990 ट्रैक्शन, और उससे छोटा है तो बरियांड ट्रैक्शन का यूज किया जाता है, ये भी एक प्रकार का 1990 है, पर इसमें क्या होता है बटक्स भी हल्के से एलिवेटेड होते हैं, ठीक है, ये आया समझ में, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं अभी भी, अभी पढ़ाऊंगा, याद रखना अभी आपके क्लास फिनिश नहीं हुई है, आज बहुत बड़ी क्लास है। ओके फाइन, ये आपको जो इमेज दिख रहा है वो आप बताओ अगर आपको पता हो, ये तो आपने हॉस्पिटल्स में देखा ही होगा, बक्स एक्सटेंशन ट्रैक्शन, इसको स्किन ट्रैक्शन भी बोलते हैं, स्किन के द्वारा ये ट्रैक्शन लगाया जाता है। इसमें क्या है कि इट इज स्किन ट्रैक्शन यूज्ड फॉर शॉर्ट टर्म इमोबिलाइज, मतलब कुछ समय के लिए पैर को इमोबिलाइज होने से बचाने, मतलब हिलने डुलने से बचाने के लिए अपन ये स्किन ट्रैक्शन लगाते हैं। करेक्ट बोन डिफर्मिटी और कॉन्ट्रैक्चर्स, इसके लिए अपन ये कौन सा ट्रैक्शन यूज करते हैं, बक्स एक्सटेंशन ट्रैक्शन, जैसे पिक्चर आपके सामने आता है पूरा का पूरा क्लियर हो जाता है आपके सामने, तो ये कौन सा ट्रैक्शन है, बक्स एक्सटेंशन ट्रैक्शन। इसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो टीबिया फिबुला है, टीबिया फिबुला में से कोई एक
डिसलोकेट हो रही है, या नी के वहां पे जॉइंट वाला थोड़ा सा डिसलोकेट हो रहा है, या एंकल के अंदर कोई हड्डी टूटी उठी हुई है, तो उसके लिए ट्रैक्शन कौन सा यूज होता है? बक्स एक्सटेंशन ट्रैक्शन। आया समझ में? बड़े आगे चलो स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, बाद में टाइम नहीं मिलेगा मैं वापस नहीं दिखाऊंगा, वीडियो वापस देखना पड़ेगा, पहले बोल रहा हूँ। और वीडियो वापस देखने के लिए आपको पास में ये अवेलेबल नहीं होगा, ये मैं लाइव ही रख रहा हूँ बस, इसके बाद में फिनिश खत्म। चलो फिर भी मैं 24 आवर तक वीडियो रखूंगा अपलोड, याद रखना यूट्यूब पर 24 आवर में आप देख सकते हैं उतना देख सकते हैं। ये कौन सा ट्रैक्शन है बताओ? चार ट्रैक्शन का नाम अभी बताया था मैंने, ये कौन सा है? ओवरहेड सस्पेंशन ट्रैक्शन इज यूज्ड फॉर ट्रीट फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस, ह्यूमर जो बोन होती है, ह्यूमरस जो बोन होती है उसके लिए इसका यूज किया जाता है। रेडियो अल्ना और ह्यूमरस बोन होती है ना, ह्यूमरस फिर रेडियस अल्ना, तो इसके लिए यह ट्रैक्शन यूज होती है। स्किन ट्रैक्शन मेंटेन प्रॉपर आर्म पोजिशन को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए, इसको अपन स्केलेटल ट्रैक्शन भी कंसिडर करते हैं। देन ये वाला ट्रैक्शन, ये 1990 ट्रैक्शन है, ये क्या है? 1990 ट्रैक्शन है, ये 1990 ट्रैक्शन है, ये 2 साल से ऊपर की है, या 13.6 किलो जो वेट था उससे ऊपर का जो वेट होता है बच्चे का उसके लिए यूज आता है। तो ये 1990 ट्रैक्शन ये फिमोरल फ्रैक्चर के लिए यूज आता है, फिमोरल फ्रैक्चर के लिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए ले सकते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, बड़े आगे चलो। When performing a physical examination on an infant, the nurse in charge note abnormality low set ear. This finding is associated with. जब physical examination perform कर रही है nurse in charge infant की, तो उसके क्या है? Low set ear है, का जो ear है जो अपन बोल सकते हैं पेरिफेरल सेंसरी ऑर्गन अपन बोल सकते हैं, वो एक कान थोड़ा सा नीचे की तरफ है, एक ईयर थोड़ा सा नीचे की तरफ है, तो फाइंडिंग इज एसोसिएटेड विद रीनल एनोमलीज, कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट, या टॉफ, टेट्रालॉजी ऑफ सेलेट, या ऑटोजीनियस टिटेनस। अब ये किससे रिलेटेड? रीनल एनोमलीज से रिलेटेड है, कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट हो नहीं सकता, ऑटोजीनियस टिटनस हो नहीं सकता है, तो टॉप भी नहीं हो सकेगा, रीनल एनोमलीज है। इसका राइट आंसर कौन सा है? रीनल एनोमलीज। क्या होता है रीनल एनोमलीज? ये सारी की सारी देर की मैंने जानकारी, नॉर्मली द टॉप ऑफ द ईयर अलाइन विद ए एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉ अक्रॉस द इनर एंड आउटर कैंथस ऑफ द आई, जहां पर आउटर कैंथस होता है उसी के साइड पर, उसी के यहाँ पे पीछे की तरफ, उसी सीध में ईयर होना चाहिए। लेकिन अगर ईयर नीचे की तरफ है, इनर कैंथस और आउटर कैंथस के लाइन ड्रॉ करेंगे अपन, तो उससे अगर नीचे आ रहा है ईयर, वो लो सेट ईयर है। बिलो दिस लाइन आर एसोसिएटेड विद रीनल एनोमलीज, अगर इससे नीचे है तो रीनल एनोमलीज है उसको। रीनल वर्ड किडनी के लिए यूज नहीं आता है ओनली, फॉर कुछ और भी एबनॉर्मलिटी के लिए यूज आता है, या मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है पेशेंट को। लो सेट ईयर डू नॉट एकम्पनी ऑटोजीनियस टिटनस, ये इससे रिलेटेड नहीं है, ट्रैकियोएसोफेजियल फिस्टुला भी इससे रिलेटेड नहीं है, और कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट भी इससे रिलेटेड नहीं है। आ गया समझ में? बढ़े आगे, इतना आ गया काफी है, अभी क्लास नहीं हुई याद रखना, आगे और भी है क्लास। चलो देखो इसका आंसर क्या लिखा है, नर्स वॉल्टर शुड एक्सपेक्ट ए 3-year-old चाइल्ड टू बी एबल टू परफॉर्म विच एक्शन, राइड ए ट्राइसाइकिल, जंप रोप, रोलर स्केट्स एंड टाई द सोलिसेज। अब क्या लिखा है इन्होंने, 3 साल का बच्चा क्या परफॉर्म कर सकता है? 3 साल का बच्चा 3 पहिए की साइकिल चला सकता है, 3 साल का बच्चा क्या कर सकता है? 3 पहिए की साइकिल चला सकता है। एक्सप्लेनेशन देखो आप क्या है इसका, क्या लिखा है, 8-3 ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट हो जाता है, रिफाइनमेंट इन आई हैंड कोऑर्डिनेशन इनेबल ए चाइल्ड टू राइड ए ट्राईसाइकिल, 3 साल का बच्चा ट्राईसाइकिल को राइड करने में सक्सेस होता है, मतलब ये कर सकता है, ट्राईसाइकिल चला सकता है। चलो
द फाइन मोटर स्किल्स रिक्वायर टू टाई सॉइल्स एंड द ग्रॉस मोटर स्किल रिक्वायर फॉर रोलर शेकिंग एंड जंपिंग रोप डेवलप अराउंड एज 5। ये सारी चीजें रोल जंपिंग, ये रोलर सेट्स और टाई द सॉलिकस, ये सारी चीजें 5 साल के बच्चा कर सकता है। ये सारी चीजें है वो 5 साल का बच्चा कर सकता है। और ये है ट्राई साइकिल चलाना, 3 पहिए की साइकिल चलाना 3 साल का बच्चा कर सकता है। आया समझ में? बढ़िया क्या? चलो बहुत है, और पढ़े बहुत है, सभी बोलेंगे बहुत है अभी तो। चलो चलो और पढ़ो। बहुत इजी है ये भी, याद रखना, ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं लाया मैं। नर्स किम इज टीचिंग ए ग्रुप ऑफ पेरेंट अबाउट ऑटाइटिस मीडिया। पेशेंट को क्या है? ऑटाइटिस मीडिया है। व्हेन डिस्कसिंग व्हाई दिस चिल्ड्रन आर प्रेडिस्पोज्ड टू दिस डिसऑर्डर द नर्स शुड मेंशन द सिग्निफिकेंट ऑफ विच एनाटॉमिकल फीचर्स। एक्सटर्नल ईयर कैनल, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, नेसोफेरिंक्स, यूस्टेकियन ट्यूब। अब लिखा क्या है? एक ऑटाइटिस मीडिया है। क्या है? ऑटाइटिस मीडिया है। पेरेंट्स ने बताया इसको ऑटाइटिस मीडिया है। तो ऑटाइटिस मीडिया किसके द्वारा अपने दूसरे एनाटॉमिकल ऑर्गन को भी अफेक्ट कर सकता है? तो ऑटाइटिस मीडिया यूस्टेकियन ट्यूब के द्वारा नेसोफेरिंक्स पर घुस सकता है। आया समझ में? तो इन ए चाइल्ड यूस्टेकियन ट्यूब आर शॉर्ट एंड लाई इन ए हॉरिजेंटल प्लान। हॉरिजेंटल में यह लोकेटेड होती है, हॉरिजेंटल प्लान में लोकेटेड होती है, मतलब प्लान कर देता है वो हॉरिजेंटली होती है, मतलब खड़ी, मतलब थोड़ी सी आईडी की तरफ। देन प्रमोटिंग एंट्री ऑफ नेसोफेरिंजियल सिक्रेशन इनटू द ट्यूब एंड दस सेटिंग द स्टेज ऑफ फॉर ऑटाइटिस मीडिया। द नेसोफेरिंग टेम्पेनिक मेम्ब्रेन एक्सटर्नल एयर कैनल हैव नो अनयूजुअल फीचर दैट वुड प्रेडिस्पोज ए चाइल्ड टू ऑटाइटिस मीडिया। ये जो नीचे ऊपर वाले जो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनकी वजह से यूस्टेकियन ट्यूब होती है उसके द्वारा अंदर घुसता है और क्या करता है? ऑटाइटिस मीडिया नेसोफेरिंक्स से घुसता है। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का कोई रोल नहीं है, एक्सटर्नल ईयर का कोई रोल नहीं है, यहाँ पे रोल किसका है? यूस्टेकियन ट्यूब का। चलो ये बिल्कुल इजी है, याद रखना, इसमें आपको कुछ नहीं करना था। ड्यूरिंग ए प्रीनेटल विजिट, प्रीनेटल विजिट हुआ है डिलीवरी से पहले 38 वीक पर, नर्स असेस द फीटल हार्ट रेट, नर्स असेस करिए फीटल हार्ट रेट को। द नर्स डिटरमाइन दैट द फीटल हार्ट रेट इज नॉर्मल इफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एड। नॉर्मल हार्ट रेट कितनी होगी? 38 वीक का पूछा है, क्या 180 होगी, क्या 80 होगी, क्या 100 बीट पर मिनट होगी, क्या 150 बीट पर मिनट होगी? राइट आंसर कौन सा? 150। कितना है? 150, क्योंकि 120 से लेकर 160 नॉर्मल बनी जाती है। लिखा क्या है? द फिटल हार्ट रेट डिपेंड ऑन गेस्टेशनल एज एंड रेंज फ्रॉम 160 से लेकर 170 बीट पर मिनट इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर बट स्लो विद फिटल ग्रोथ टू 120 से लेकर 160 से लेकर 160 के बीच में रेंज कौन सी आ रही है? इसके अंदर ऑप्शन के अंदर सिर्फ 150 आ रही है, तो 150 आपका बिल्कुल करेक्ट है। नियर एट टर्म, एट द एट और नियर टर्म ऑफ फिटल हार्ट रेट इज लेस देन 120 और मोर देन 160 विद यूट्रस एट रेस्ट एंड फिटस में इज डिस्ट्रेस। फिटस डिस्ट्रेस में है तो अपन मान सकते हैं 120 से कम हो सकती है हार्ट रेट और 160 से भी ज्यादा जा सकती है। चलो बढ़े आगे। आफ्टर द फर्स्ट 4 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द चीफ सोर्स ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन इज द एड्रिनल कॉर्टेक्स, प्लेसेंटा, कॉर्पस लूटियम एंड एंटीरियर हाइपोफाइसिस। इसमें सोचने की जरूरत है ही नहीं है। व्हेन प्लेसेंटल फॉर्मेशन इज कंप्लीटेड अराउंड 16 वीक ऑफ प्रेगनेंसी प्रोसेस एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो प्लेसेंटा ही है जो काम करती है, ठीक है। बढ़े आगे। 4 मंथ की प्रेगनेंसी मतलब 16 वीक से भी ऊपर हो चुके हैं तो प्लेसेंटा करने लग जाएगी। फिर पहले कॉर्पस लूटियम कर रही थी, बाद में प्लेसेंटा मैच्योर हो गई ना, उसके बाद में 4 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी लिखा है ऊपर, और 4 मंथ नहीं होता और उसमें अंदर 4 वीक होता है तो अपन कंसिडर कर सकते थे कॉर्पस लूटियम को, ठीक है। बढ़े आगे। प्लेसेंटा राइट है, ठीक है। इसका राइट आंसर कौन सा? प्लेसेंटा। विच पल्स शुड द नर्स पाल्पेट ड्यूरिंग रैपिड असेसमेंट
ऑफ एन अनकॉन्शियस मेल क्लाइंट, दे रखा आंसर मैंने, कैरोटिड है, ये आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ मैं, सब कुछ कर रखा है इसमें। चलो आगे बढ़ो, सेप्सिस, सेप्सिस क्या होता है, एक होता है असेप्सिस, एक होता है सेप्सिस। आपको फाइव वाइटल ऑर्गन दिख रहे हैं, मैंने कितनी ही बार बताया कि एक के अंदर अगर इन्फेक्शन हुआ पांचों इफेक्ट होंगे, सारी चीजें बस वही है और कुछ नहीं है इसके अंदर। सेप्सिस कैन बी डिफाइंड एज अ सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन दैट टेक्स प्लेस व्हेन एन इन्फेक्शन गिव राइज टू अ सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन और चैन रिएक्शन अक्रॉस द बॉडी, पूरी बॉडी में हो सकता है इस प्रकार से। चलो बढ़ो आगे, पैट्रिक एक हेल्थी एडोलेसेंट हैज मेनिंजाइटिस एंड रिसीविंग आईवी एंड ओरल फ्लूड, द नर्स शुड मॉनिटर दिस क्लाइंट्स फ्लूड इनटेक बिकॉज फ्लूड ओवरलोड मे कॉज, फ्लूड ओवरलोड क्या कॉज करेगा, ठीक है आ गया समझ में, क्या फ्लूड दे रहे अपन तो क्या हार्ट फेलियर होगा, हाइपोवोलेमिक शॉक होगा, सेरेब्रल इडिमा होगा या डिहाइड्रेशन होगा। एक्सप्लेनेशन देखो, बिकॉज ऑफ द इंफ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजियस द क्लाइंट इज वल्नरेबल टू डेवलप अ सेरेब्रल इडिमा एंड इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर, फ्लूड ओवरलोड होगा, सेरेब्रल इडिमा होगा और आईसीपी क्या होगा, इंक्रीज होगा। फ्लूड ओवरलोड वॉन्ट कॉज डिहाइड्रेशन, क्योंकि फ्लूड ओवरलोड कॉज नहीं करता है डिहाइड्रेशन, इट वुड बी अनयूजबल फॉर एडोलेसेंट टू डेवलप हार्ट फेलियर अनलेस ए ओवर हाइड्रेशन इज एक्सट्रीम हाइपोवोलेमिक शॉक वुड अकर विद एन एक्सट्रीम लॉस ऑफ फ्लूड ऑफ ब्लड, फ्लूड का ब्लड का लॉस होता है तब हाइपोवोलेमिक शॉक होता है और तब क्या होता है ओवर डिहाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन नहीं है यहाँ पर हाइड्रेशन है, तो हाइड्रेशन हो रहा है ओवर हाइड्रेशन। चलो बड़े आगे, तो इसका राइट आंसर कौन सा है, सी, सी बिल्कुल करेक्ट है, सेरिब्रल एडिमा। ए ट्यूबरक्लोसिस इंट्राडर्मल स्किन टेस्ट टू डिटेक्ट ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन इज गिवन टू ए हाई रिस्क एडोलेसेंट, हाउ लॉन्ग आफ्टर द टेस्ट इज एडमिनिस्टर्ड शुड द रिजल्ट विद बी एवेलुएट, कि आपने ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट किया है तो आप पीपीडी लगाते हैं और पीपीडी किया है उसके बाद में कितने घंटे बाद में आप टेस्ट करोगे, चेक करोगे कि आपका टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो मैंने रोगम का भी बताया था आपको, रोगम इंजेक्शन इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शन होता है उसका भी 72 आवर के बाद में करते हैं अपन, तो ये भी क्या है 48 से 72 आवर, सी बिल्कुल करेक्ट है। तो ट्यूबरकुलिन टेस्ट स्किन टेस्ट ऑफ डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी, डिले हाइपर सेंसिटिविटी होती है क्योंकि ये 72 आवर बाद में रिजल्ट देता है। तो इफ द टेस्ट रिजल्ट आर पॉजिटिव एंड रिएक्शन शुड अपियर इन 48 आवर टू 72 आवर इमीडिएटली आफ्टर द टेस्ट एंड विद इन 24 आवर आर बोथ टू सून टू ऑब्जर्व ए रिएक्शन, वेटिंग मोर देन 5 डे टू इवैल्यूएट द टेस्ट टू लॉन्ग बिकॉज एनी रिएक्शन मे नो लॉन्गर बी विजिबल। बड़े आ गया, After a tonsillectomy, a child begins to vomit bright red blood. The nurse should take which initial action? NPO रखना है, notify the healthcare provider, administer prescribed antiemetic or turn the child to the side. Bright red color आ रहा है patient को, tonsillectomy हुआ है child को, अब इनिशिएट एक्शन क्या लेना होगा, अपन नर्स का क्या रोल है उसके अंदर, वोमिट आ रहा है और उसके अंदर भी ब्लड है, अपन को इनिशियल एक्शन क्या करना होगा, सबसे पहले पेशेंट को क्या करना है, NBM नथिंग बाय माउथ, सबसे पहले अपना यही होता है कुछ भी मत खिलाओ इसको मुंह से, सबसे पहला एक्शन तो ये होगा, देन उसका हेड है वो टर्न है जो भी हो साइड वगैरह करना है अपन को,
और डॉक्टर ने अगर प्रिस्क्राइब किया है तो एंटीबायोटिक देनी है, नहीं किया तो नहीं देनी है, और डॉक्टर को मतलब हेल्थ केयर को प्रोवाइड मतलब प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना है। ठीक है, पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। मैं तो थक गया। चलो, ए चाइल्ड इज हॉस्पिटलाइज्ड बिकॉज ऑफ प्रेसिस्टेंट वॉमिटिंग। रुक रुक कर वॉमिटिंग हो रही है। द नर्स शुड मॉनिटर द चाइल्ड क्लोजली फॉर विच प्रॉब्लम। कौन सी प्रॉब्लम है? मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, हाइपर एक्टिव बॉवेल साउंड, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और डायरिया। वॉमिटिंग हो रही है, याद रखना, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। तो वॉमिटिंग कैन कॉज द लॉस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एंड एसिड, एंड तो एसिड लॉस होगा तो क्या होगा, एसिडोसिस थोड़ी होगा, अल्कलोसिस होगा। तो राइट आंसर कौन सा? ए, एसिड एज सब्सटेंस सबसिक्वेंट मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस वुड अकर इन ए चाइल्ड एक्सपीरियंसिंग डायरिया बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट। डायरिया माइट और माइट नॉट एकॉम्पनी वोमिटिंग, हाइपर एक्टिव बॉवेल साउंड आर नॉट एसोसिएटेड विद वोमिटिंग। क्या लिखा है इन्होंने? हाइपर एक्टिव हो जाएगी बॉवेल साउंड किसके अंदर? डायरिया के अंदर, और डायरिया के अंदर क्या होता है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ये तीनों तो एक दूसरे से रिलेटेड है कि जब भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है या जब भी डायरिया होता है तब कौन सा मतलब पाया जाता है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। डायरिया में मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा और हाइपर एक्टिव बॉवेल साउंड हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऊपर वाले का कौन सा? प्रेसिस्टेंट वॉमिटिंग हो रही है तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। बढ़े आगे है, अभी तक और है, कंटेंट बहुत सारा है, सभी देना है मुझे आपको। मोस्ट कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ ब्रेन ट्यूमर इन चिल्ड्रन इज विच ऑफ द फॉलोइंग? इरिटेबिलिटी, सीजर, फीवर एंड पोर फाइन मोटर रिफ्लेक्स, हेडेक एंड वॉमिटिंग। तो हेडेक एंड वॉमिटिंग इसका राइट आंसर है ट्यूमर का। ठीक है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टिपिकल फीचर ऑफ द क्वाशियर कर्व। मसल फास्टिंग, सेवियर लॉस ऑफ सबक्यूटेनियस फैट, मून फेस, यूजुअली गुड एपेटाइट। क्वाशियर कर्व प्रोटीन डेफिशिएंसी की डिजीज होती है। क्वाशियर कर्व इसके अंदर क्या होगा? मून फेस हो जाएगा, चंद्रमा जैसा चेहरा हो जाएगा। ठीक है, और पढ़े क्या? बस पढ़ेंगे, अभी थोड़ा और पढ़ेंगे। आरएच नेगेटिव मदर डिलीवर ए बेबी, विच अमोंग द फॉलोइंग लिस्ट इज मोर लाइकली टू बी ऑर्डर फॉर द बेबी? क्या प्रश्न पूछा है? आरएच नेगेटिव मदर है, बेबी को डिलीवर किया है, विच अमोंग द फॉलोइंग लिस्ट मोर लाइकली टू बी ऑर्डर फॉर द बेबी? ब्लड कल्चर, डायरेक्ट कॉम्स टेस्ट, इनडायरेक्ट कॉम्स टेस्ट, प्लेटलेट काउंट। तो डायरेक्ट कॉम टेस्ट किया जाता है इसके अंदर, तो कौन सा है? बी राइट है। यूज टू डिटेक्ट एंटीबॉडी दैट आर स्टक टू द सरफेस ऑफ आरबीसी। याद रखना एंटी